टेंथ क्लास के सभी बच्चों का इस पांचवी कविता में सुमित्रानंद पंत जी के द्वारा लिखी गई 87 नंबर पेज पर इसमें संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य के चंद्रलोक में प्रथम बार नामक कविता से ली गई हैं। इस कविता के रचयिता कविवर सुमित्रानंद पंत जी हैं और प्रसंग में जिस बात पे इन दोनों टॉपिकों में चर्चा हुई है अलग अलग आप इसका प्रसंग लिखेंगे। कविता में लिखते हैं सुमित्रानंद पंत जी, ये उस समय की बात है जब चंद्रमा पर पहली बार मनुष्य ने अपने पांव रखे थे, यहाँ से गया था। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, पद अर्पण, पदार्पण मानी पैर रखना। जब पहली बार चंद्रमा पर मनुष्य पहुंचा, छिन्न हुए लोग देश काल के दुर्जय बाधा बंधन, जो कि वो सोचा करते थे बंधन थे कि कोई नहीं पहुंच सकता, वो सब चीज आज खंडित हो गई और मनुष्य ने हिम्मत करके चंद्रमा पर पहली बार अपना पांव रख दिया। दिग्विजयी मन सुख निश्चय, निश्चय रूप से मन सुख यानी मनुष्यों की औलाद यानी मनुष्यों ने दिग्विजयी दिशाओं को अपने कब्जे में करते हुए ये करके दिखा दिया कि हम जो चाहते हैं जो सोचते हैं उसे एक दिन जरूर कर देते हैं। तो चंद्रमा पर सोचने की बात को उन्होंने साकार कर दिया और वहां पर अपने पांव टिका दिए। यह महत ऐतिहासिक क्षण, ये जो पहुंचने का क्षण था, पल था, समय था, ये बड़ा ही ऐतिहासिक था क्योंकि इससे पहले ना कोई गया था। वो विरोध हो शांत, ये इसलिए था कि पूरी जमीन पर कि मैं जाऊंगा ये सब कुछ शांत हो गया और चंद्रमा पर पहली बार मनुष्य पहुंच गया। इससे हमें एक सीख मिली कि निकट आए सब देशों के जन, इसमें जितने भी लोग हैं पूरी दुनिया के, वे सब एक दूसरे के पास आ जाए। ये पहला पैरा है, इसका प्रसंग अलग है, इसमें प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में सुमित्रानंद पंत जी ने चंद्रलोक में प्रथम बार पहुंचने पर मनुष्य के द्वारा किए गए उस बंधन मुक्त कार्य का वर्णन किया है जिसे उसने ऐतिहासिक रूप में प्रस्तुत किया था और भावार्थ में वही लिखेंगे जो हमने अभी अर्थ आपको बताया। दूसरा है युग युग पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। युग युग पूरे जमाने से जब से होश संवारा था मनुष्य ने आदिकाल से लेके अब तक का, जब तक वो पहुंच नहीं गया तब तक का जो सपना देखा था कि हम पहुंचेंगे चंद्रमा पर, वो आज सपना हमारा पूरा हो गया। समारंभ शुभ नए चंद्र युग का भू को दे गौरव, एक गौरव शामिल किया उन्होंने, एक कीर्ति शामिल की, कीर्तिमान कायम किया है कि हाँ वास्तव में मनुष्य वहां पर पहुंच सकता है। फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का शामल अंचल, कि धरती पर भी मनुष्य रहते हैं और यहाँ से भी कोई ऐसा है प्राणी जो वहां पर अपना झंडा फहरा सकता है। तो इस तरीके से आप इस कविता को लिखेंगे और इसका संदर्भ प्रसंग और भावार्थ लिखेंगे। कोई परेशानी होती है तो हमारे नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। और भाई